Topic of my presentation is open source robotics. So alhamdulillah, it's been a pleasure to be part of this summit. Bahut kuch seekhne ko mila. Main to bolne se zyada excited tha sunne ke liye. Itne acche acche mashallah speakers and they are bringing a variety of topics jo ke bahut kam hame sunne ko milti hain ek jagah pe. Mera taluk, I'm part of the Nation Center of Robotics and Automation, which was inaugurated in 2018. It has a secretariat at NUST, and we're having 11 labs from 13 universities from across Pakistan, which has LAMS, NUST, NED, UT Lahore, and UT Taxila and UT Peshawar. Our mandate is to build national capacity to carry out R&D in the emerging field of robotics and automation. So our focus is on solving local problems through technology. This is the outline for my presentation. I'll be presenting some case studies based on our previous work that I did in Canada. Then I'll be sharing some open source tools that are good for robotics. आपने मेरे इंट्रोडक्शन में तो ये कह दिया तो आई डोंट हैव टू गो थ्रू इट वंस मोर. ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है कि वे वी आर थोड़ा सा फ्यूचर को उस फ्यूचर के लिए खुद को बेस्ट प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि हम पास्ट के साथ खुद को कनेक्ट कर लें. तो जो अभी हमें मिल रहा है देखने को इट्स कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दिस आर स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बहुत कुछ इस पे अभी काम हुआ हुआ है लेकिन देर इज़ अ लॉट टू बी डन एंड दैट्स व्हाट आई थिंक वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस समिट इज़ आल्सो. इन ऑर्डर टू कैच विद माय ऑडियंस मैं सबको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करूँगा. तो पहले आई विल डिफाइन व्हाट इज़ अ रोबोट. सो एनीथिंग दैट यू सी ऑन द स्क्रीन इन दीज इमेजेस दे कैन बी डिफाइंड एज अ रोबोट. So they are the most important part of these machines is they are programmable, reprogrammable. Based on the interaction with the environment, they change their behavior. Kabhi kisi sensor se kuch sense karke interact kar rahe hain, kabhi inspect kar rahe hain, kabhi monitor kar rahe hain, kabhi manipulate kar rahe hain cheez ko environment ke saath completely in interaction hai. Ye fixed bhi ho sakte hain, fixed base, jinko industrial robot kehte hain. Ye mobile bhi ho sakte hain, wheeled. Ye tracked bhi ho sakte hain. ये मुख्तलिफ शक्ल में भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ लाइक अ स्नैक आर्म जो कि तंग जगहों पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं. फ्लाइंग भी हो सकते हैं जिसको आम तौर पर लोग ड्रोन कहते हैं UAV. इट कुड बी इन अ मरीन व्हीकल जो कि समंदर के या पानी के नीचे इट कैन वर्क ऑटोनमसली एंड इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमनॉइड. सो दैट्स अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ रोबोट इज़. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के लिहाज से देखा जाए तो ये कुछ मेजर मॉड्यूल्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आर्म काइनेमेटिक्स मीन किस तरह आर्म की ज्योमेट्री है और मुख्तलिफ जॉइंट्स पे हमारे पास मोशन हाउ इट गिव्स अस मोशन एट द डिजायर लेवल एट द टूल लेवल. देन वी हैव समटाइम वी सिमुलेट द रोबोट ऑल्सो ताकि अगर हमारे पास रियल रोबोट नहीं है और हम उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वो सिमुलेटेड रोबोट हमें ये फैसिलिटी दे दे कि हम कम अज़ कम उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें और जैसे ही हमारे पास हार्डवेयर डेवलप हो जाए तो हम उसको सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर लें एंड इट शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड एज इट वॉज वर्किंग इन द सिमुलेशन. कंट्रोल पार्ट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल के बगैर कोई भी मैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम ये काम नहीं करेगा. तो एंड देन द ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग जो भी ट्रेजेक्ट्री है पाथ है द रोबोट ने चाहे वो मोबाइल रोबोट है चाहे वो इंडस्ट्रियल रोबोट है तो दिस इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द वन ऑफ द सॉफ्टवेयर. और ये आपस में एक मॉड्यूलर तरीके से हम डेवलप करते हैं ताकि मुख्तलिफ टीम्स मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे काम कर सकें एंड वी ब्रिंग देम टुगेदर तो ये सीमलेस तरीके से आपस में इंटीग्रेट हो सकें. एप्लीकेशंस रोबोटिक्स की क्या हैं वर्ल्ड वाइड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं. इनफैक्ट दिस वाज़ द फर्स्ट इंडस्ट्री दैट सॉ द रोबोट्स इन एक्शन स्पेशली जापान में इसकी बर्थ हुई. लेकिन उसके बाद इट हैज़ टेकन ओवर दीज इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स पिक एंड प्लेस स्पॉट वेल्डिंग स्प्रेइंग कटिंग सीलिंग सो पैलेटाइजिंग. सो ये तो इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस हो गई. इसके अलावा इसकी
दूसरी जो एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं वो है 3D प्रिंटिंग में, बाकायदा 3D प्रिंटेड हाउसेस बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट रोबोट्स। प्रोस्थीसिस एंड ऑर्थोसिस हैं जो कि आप कह सकते हैं कि अपाहज लोगों के लिए, उनके लिए पाँव के लिए एड्स बनाना या मोबिलिटी एड्स बनाना। ये जो आपको राइट साइड पे स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इट्स रेस्पबेरी पाई कंट्रोल्ड प्रोस्थेटिक आर्म, जिसको हम एक सेंसर के थ्रू अपने मसल के सिग्नल्स दे रहे हैं, एंड इट इज़ फॉलोइंग अस द मोशन अकॉर्डिंगली, इज जनरेटेड बाय द ब्रेन। इसके अलावा स्पेस में इनकी एप्लीकेशंस हैं, सर्विस इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तानी के सतह भी ये देखने को मिल रहे हैं, एजुकेशन के लिए है, एंड देयर आर लॉट मोर। हमने किस मकसद के लिए रोबोट को यूज़ किया? व्हेन आई वाज इन कनाडा, हमें सिनोवस एनर्जी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था कि भाई ये जिस एरिया में हमारा ऑयल रिग है वहाँ तक रसाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, -30, -40 डिग्रीज पे काम करना पड़ता है, और ये ऑयल रिग जो है मेन चीज़ है जो अगर ख़राब हो जाए तो हमारी सारी ऑयल की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। हमने उनके सिस्टम को बड़ा थॉरली स्टडी किया, एंड हम बाती होने चाहिए कि वो ओपन सोर्स डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके, क्योंकि हमें अगर एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता तो हम दूसरा कंप्यूटर इसमें लगा सकें, एक सेंसर हमारे काम का नहीं है दूसरा सेंसर ला सकें, और सॉफ्टवेयर में भी हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स ऐड कर सकें। तो वी फाउंड इट वेरी हार्ड टू फाइंड सच अ प्लेटफॉर्म विच कैन मीट ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, और तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हाउ इम्पॉर्टेंट ओपन सोर्स डेवलपमेंट इज। बहरहाल ये हमारी उनके लिए रिकमेंडेशन थी, एक टेली ऑपरेटेड आर्म जो कि इस ऑयल रिग को इंस्पेक्ट करेगा। इट कुड ऑल्सो बी इट्स एन आर्म माउंटेड ऑन UGV अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल, और उस पर यह मुख्तलिफ किस्म के सेंसर इंस्टॉल है, जैसे RGB कैमरा है, थर्मल IR कैमरा है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है जो कि इसके अंदर लीक को डिटेक्ट करें, इसके अंदर जो है क्रेक्स को डिटेक्ट करें, और कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी को डिटेक्ट करके रिपोर्ट करें रिमोट कंट्रोल रूम में। तो ये उसके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क हमने प्रपोज किया, लेकिन अल्टीमेटली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इतने ज़्यादा सेंसर्स को सिस्टम्स को इंस्टॉल करके उसके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है दैट बिकम्स क्वाइट अ बिग चैलेंज। वो इस तरह से होना चाहिए कि वो फ्यूचर में उसको अपडेट भी किया जा सके, उसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा ना हो, उसमें मल्टीपल टीम्स एट अ टाइम काम भी कर सकें, और अगर कोई सेंसर किसी वक्त में काम करना छोड़ दे या कोई एक्चुएटर काम करना छोड़ दे तो सॉफ्टवेयर में ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कर सके। तो उसके लिए जो हमने उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम टूल चूज़ किया आफ्टर थॉरो सर्च, दैट्स कॉल्ड रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सक्लूसिवली मेड फॉर रोबोट्स। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक और सिंपल केस स्टडी है जिसमें आपको मोबाइल रोबोट नज़र आ रहा है, इसमें एक्चुएटर्स हैं, मोटर्स हैं, सेंसर्स हैं, लेज़र सेंसर है जिसके थ्रू ये एनवायरनमेंट का मैप बना रहा है, और इसको फिलहाल कंट्रोलर इसका जो हार्डवेयर है वो है PC प्लस माइक्रो कंट्रोलर Arduino विच इज़ डूइंग पोजिशन एंड वेलोसिटी कंट्रोल। अगर आम तरीके से हम इसको बिल्ड करना चाहें तो अ सिंपल प्रोग्राम वुड बी वन दैट इज लाइक अ क्लास फॉर द चेसी, एंड देन देयर इज रनिंग अनदर वन व्हिच इज जस्ट डूइंग द कंट्रोल पार्ट। सो वी आर गेटिंग दीस टाइम टिक्स फ्रॉम लेट्स से अ रियल टाइम क्लॉक, एंड दे आर आस्किंग अस टू रोटेट द रोबोट एट अ सर्टेन इंटरवल, एंड देन वी आर सेंडिंग दोज कमांड्स, पब्लिशिंग दोज टू द रोबोट। At the same time, you want to see the robot in a simulated form, ताकि आपको robot hardware जो कर रहे हैं वो simulated form में भी आपको नजर आए। Simulation के environment में पहले बता चुका importance में पहले बता चुका हूँ कि कम अज़ कम अगर हमारे पास robot नहीं भी है तो हमारा control software किसी simulated robot से उसी तरह behave करे जो कि hardware से करेगा। लेकिन इसको एट अ टाइम मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिंपल सिस्टम्स के लिए तो ये अगर एक रोबोट है और उसमें एक दो सेंसर है तो काम करेगा, लेकिन इसको अब स्केल नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब एक से ज़्यादा हमारे पास कंट्रोलर्स हों। तो दैट्स वाई वी नीडेड अ मिडलवेयर, एंड रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मिडलवेयर व्हिच सॉल्व्स दीज थ्री चैलेंजेस। फॉर एग्जाम्पल इट्स एसिंक्रोनस, किसी सेंसर से हम
100 हर्ट्स पे डेटा रीड कर रहे होते हैं, किसी से हम 200 हर्ट्स पे कर रहे होते हैं, मतलब ये कि सेकंड में एक रीडिंग देते हैं, कोई सेकंड में 10 रीडिंग देते हैं, एक और सेंसर सेकंड में 100 रीडिंग्स देते हैं, तो आपको मल्टी प्रोसेस चलाने होंगे, मल्टी थ्रेड्स चलाने होंगे, फिर कम्प्लेक्स है, इन्वायरमेंट भी कम्प्लेक्स है, रोबोट बजात खुद भी एक कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, और इसके अलावा अगर आपने नीचे हार्डवेयर इंस्टॉल किया है तो हर हार्डवेयर के लिए आपने खास ड्राइवर भी इंस्टॉल किए हैं, बट आप चाहते हैं कि अगर कल को मैं नीचे कोई कैमरा चेंज कर सकूं या कोई सेंसर चेंज कर सकूं और किसी और कंपनी का कुछ किसी और मॉडल का मैं लगाऊं, तो कम से कम सॉफ्टवेयर ऊपर से इफेक्ट ना हो, दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन इन टेक्निकल टर्म्स। तो सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम रोबोट को कहते हैं कि भाई फॉरवर्ड जाएं, फिर लेफ्ट जाएं, फिर हम इमेज एक्वायर करते हैं, फिर उसके ऊपर हम इमेज प्रोसेसिंग करके कुछ डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं, एंड देन वी गो स्टेप बाय स्टेप। अब मसला कब आता है, जब हम व्हेन एन ऑब्स्टिकल अपीयर्स व्हाइल यू आर गोइंग फॉरवर्ड, व्हेन यू आर एट दिस पर्टिकुलर लाइन, आपके सामने एक ऑब्स्टिकल आया है जिसको आप तब डिटेक्ट करेंगे जब आप इमेज एक्वायर करेंगे और फिर उसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग रन करेंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल विद द सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। व्हाट हैपेंस टू द एनकोडर डेटा व्हाइल यू आर टर्निंग, अगर आप टर्न कर रहे हैं तो उस वक्त आप एनकोडर से रीड नहीं कर रहे। व्हाट इफ सम अदर मॉड्यूल वांट्स द सेम डेटा, और अगर एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को किसी एक सेंसर का डेटा चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए नॉर्मल एम्बेडेड जो हमारे साथियों ने बातें की, दे नो अबाउट इट, इट्स कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन, या इनको कॉल बैक्स भी किया जा सकता है कि जैसे ही कोई सेंसर का डेटा आए हम करिस्पॉन्डिंग कॉल बैक कॉल करके उसको एंटरटेन करें। तो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ मल्टी टास्किंग एंड हाउ टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटी। It helps, ROS helps us organize the code. So we have different nodes, jo ke programs hain, jo ke corresponding hardware ko represent karte hain, and that just send on data, no matter if someone is receiving or not. To agar beech mein se wo camera data send karna band bhi kar de, to baaki software jo ke us pe depend nahi karte, wo phir bhi kaam kar rahe honge. Iske alawa device specific drivers hain, maine jaat mil gayi. अगर हम बीच में से ड्राइवर चेंज करते हैं, हार्डवेयर चेंज करते हैं, तो हमें हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन की फैसिलिटी मिल रही है, एंड दिस ऑल व्हाट ROS ऑफर्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो अगर मैं इसके आर्किटेक्चर पे आऊं, तो इट्स एट द वेरी लो लेवल देयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग। ROS के बारे में पहले कहा जाता था कि ये सिर्फ लिनक्स के ऊपर ही चलते हैं, तो आज ROS 2 जो है वो विंडोज़ के ऊपर भी आप इंस्टॉल कर सकें, और दो आई हाईली रिकमेंड कि भाई आप लिनक्स में ही रहें क्योंकि ओपन सोर्स शुरू ही लिनक्स से होता है। मिडलवेयर इट ऑफर्स बोथ द TCP कम्युनिकेशन एंड UDP एज द नेटवर्क लेयर। ROS 2 में तो कम्प्लीटली इट्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस DDS सपोर्टेड, जो कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक फ्रेमवर्क है, जिसके होते हुए यू कैन कनेक्ट योर रोबोट्स विद द IO इंडस्ट्रियल IoT। क्लाइंट लाइब्रेरी से एन इंस्ट्रक्शन है, और ऊपर आपके लिए एप्लीकेशन लेवल पे आप अपने जो है रोबोट की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अब आपको ROS के यूज़ करने से फ़ायदा क्या हुआ, वो आप PR2 ये एक मशहूर रोबोट है, इसके लिए भी आपका कोड यूजेबल है। अगर आपने लेट्स से नेविगेशन के लिए कोड लिखा है, अगर आप उसी कोड में थोड़ी सी चेंजेस कर लें, रूम्बा पे ले जाएं, इट्स अ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, या के रोबोट 3 पे ले जाएं, तो यू कैन ईजिली पोर्ट द कोड इज पोर्टेबल। There is a huge variety of robots that are supporting ROS. मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैंने लिंक दिए robots.ros.org। इस पर आपको dozens of robots आपको मिल सकते हैं। इसमें even MIT had an urban challenge vehicle which was the most complex autonomous car की example लें, तो इट्स most complex robot I would say, and it was based on ROS. तो ये तो ROS की बातें थी। इसके अलावा हमें एक और टूल चाहिए होता है अक्सर सिमुलेशन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मसला ये कि बल्कि ओवरऑल दुनिया में मसला ये है कि हमारे पास हार्डवेयर की थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है, और उस वजह से रोबोटिक्स की तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे, हम इंडस्ट्री में उस तरह से कैप्चर नहीं कर रहे जितनी इसकी पोटेंशियल है। इंशाल्लाह ओवरऑल हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जब लर्नर्स को रिकमेंड करते हैं, बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्ट कहाँ से, बल्कि सिर्फ बच्चे नहीं, प्रोफेशनल भी, हम खुद भी ये करते रहते हैं, तो हमें ऐसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो रोबोट को सिमुलेट भी कर सके, सेंसर्स को भी सिमुलेट कर सके, और उसमें हम कंट्रोल अपना सॉफ्टवेयर लिख सकें। ये देखें इस आपको यू कैन सी ऑन स्लाइड नंबर 36 कि द कैमरा व्हिच इज देयर ऑन माउंटेड ऑन द रोबोट, दिस रोबोट इज कॉल्ड रोबोट।
which it is simulated, and it works in a similar fashion which a real camera would do. इसके अलावा अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है तो आई हाईली रिकमेंड दिस YouTube channel from this Leopoldo Armesto. He's a lecturer at one of the Spanish universities. So this is easily. ROS ke baare mein maine nahi bataya kyunki ROS ke website pe aap jayenge to aapko khud hi andaaza ho jayega ki they have just like any other open source tools, they offer a lot of tutorial which if you can follow, you can easily master it. Kyunki mere audience mein zyada tar considerable chunk students ka hota hai, wo aksar kehte hain hum cheez seekhe kahan se, to Peshawar mein hamara jo lab hai hamari IIT Peshawar, it's part of the NCRA, National Center of Robotics and Automation. So we currently are building this robot for precision agriculture. This will be based on ROS, inshallah. Iske alawa hamare kuch aur cheeze hain, hum products bana chuke hain, kuch abhi us stage mein hai, R&D. UAV hai, it's again for precision agriculture, but it can be used for surveillance and security. Is pe bhi Raspberry Pi humne mount kiya hai, and Raspberry Pi ke upar ROS install karke, you can do miracles with this robot. Iske alawa robot, ROS is not only for robots. Ye galat fehmi main dur karna chahunga. आपने देखे कि ये आपको हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन देते हैं, ये आपको कॉल बैक्स की फैसिलिटी देते हैं मल्टीटास्किंग की, इट कैन रन साइमल्टेनियसली टू और थ्री कंप्यूटर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन है, जैसे हमारा ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर स्प्रेयर है जो कि विजन बेस्ड डिटेक्ट करके क्रॉप को उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं. इसके ऊपर हमने इसको रसबरी पाई पे लेके जाना है, एंड द अदर आइटम दैट यू सी कंपोनेंट इज कॉल्ड VPU, विजन प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके थ्रू हम कम अज कम रसबरी पाई लेवल पे इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो वी आर रनिंग ROS ऑन दैट, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट. इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि भाई अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट लें. तो जिस तरह मैं मुझसे पहले स्पीकर ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बात ही की है कि भाई एम्बेडेड सिस्टम्स इज वेयर यू कैन एस्टैब्लिश योर करियर वेरी इजीली, बिकॉज ये ट्रेंडी है और इसका कम अज़ कम अगले 5-10 साल तक तो हमें नज़र आ रहा है कि यह ट्रेंड चलेगा. DIY projects करें जी आप, कम अज़ कम ऐसे प्रोजेक्ट विच यू कैन डू इट बाई यूर सेल्फ. And there's a lot of code being shared on the ROS website, GitHub pe bhi hai. Learn from them, use them in your project. Zyadatar open source licensing hai, so you shouldn't worry too much. Lekin usko zyadatar learning purpose ke liye bhi use kar sakte hain. You can also integrate it in your projects. Locally relevant problem ko target karein, please. Hum hamara to field agriculture se hai, iske alawa hum biomedical engineering mein bhi kaam kar rahe hain. To aisa ho jo ke society mein kisi ke kaam aaye. Internship opportunities, yes, we offer jitni bhi labs hain hamari NCRA ki, alhamdulillah, they're all offering these opportunities. Iske alawa ji apne agar aapne projects kiye to try to take them to local and international competitions. Industry mein jayein, problems dekhein, agar robotics ke nahi hai to computer vision ke nahi hai to machine learning ke honge, IoT ke honge, and that's where you can inspire from and you can get it solved for them. इसके अलावा ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल्स, जिस तरह को पहले सिम की मैंने बात की, ROS फॉर लर्निंग रोबोटिक्स एंड नॉलेज शेयरिंग. तो दिस इज अ जनरल एडवाइस. आखिर में मैं अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान रोबोटिक्स की, तो कनाडा में देयर वाज द डिपार्टमेंट जहाँ पे मैंने वुड क्राफ्टिंग देखी है रोबोट बेस्ड. It was amazing. जो काम वो कर रहे थे फर्नीचर के साथ और जो उसकी डिज़ाइनिंग है, कटिंग है, उसके ऊपर जो क्राफ्टिंग है, I wish I would have opportunity to bring that to Pakistan. क्योंकि हमारे नदरन एरियाज में फॉरेस्ट एक है, इस चीज़ की कंप्लीट मार्केट है. इसके अलावा बॉम्ब डिफ्यूजिंग रोबोट्स हैं केपी में पर्टिकुलरली, इस पर बहुत ज़्यादा है. हमारा एक स्टार्टअप भी है, वी कॉल इट स्टेमिट. हमने छोटे रोबोट्स बनाए हुए हैं ओपन सोर्स, जिसको एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है. बच्चा एक खिलौने के साथ खेल के सीख रहा होता है, एंड शुरू में हम ग्राफिकल प्रोग्रामिंग पे हमारा फोकस होता है ताकि बच्चा टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पे ना जाए.
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो ग्राफिकल प्रोग्राम बिल्ड कर रहा होता है, साथ साथ उसका सी लैंग्वेज उसको खुद ही कोड नजर आ रहा होता है कि अच्छा इस ब्लॉक के लाती ही मुझे ये सी कोड ऐड किया है। एक टाइम आता है जब बच्चे उस कोड में खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं, दैट्स वेयर वी ट्रांसलेट फ्रॉम द ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सी लैंग्वेज और इवन टू पाइथन। तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, इसमें बहुत ज्यादा कंपनीज और स्टार्टअप्स काम कर रही हैं। सर्वेलेंस सर्च एंड रेस्क्यू डिजास्टर रिस्पॉन्स, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है, पुलिस के साथ काम किया जा सकता है, ड्रोन्स इस मामले में बहुत ज्यादा मुफीद हैं। प्रोस्थेटिक्स एंड मेडिकल रोबोटिक्स, हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है इधर पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेज पीपॉस, we have a strong collaboration with them, our team are busy jahan pe hum apne prosthetics ki testing bhi karte hain aur wahan se hamari need bhi arise hoti hai. Service and tourism industry, aakhir mein main is pe zarur zor dunga ke imagine there is a boat in the lake jisse wo atabad leke ya jo bhi hai bahut mashhoor hai, and you make it autonomous, kam az kam uski upar jo ek drone hai usi ko follow karta rahe aur aapki video banaye aur images lein, and you can remote control it, it can go autonomously. So I see a lot of opportunities there, aur is pe itna kharcha bhi nahi aayega. Iske alawa drones, UAVs for automated surveillance, disaster response, main pehle keh chuka hu, and inspection of the infrastructure. So that is that was from my side. I hope it was not too much technical. I try to keep it as simple as possible. If there are any question, I would like to answer. Aapke liye questions hain. Umar Hamid sahab question karte hain, complex robotics network requires decision making based on sensor inputs. Do you observe a challenge when decision is delayed from that robots? Asal mein मुझे लगता है इनका इशारा है कि अगर if there is a communication blackout, अगर sensor की तरफ से कोई data नहीं आ रहा या एल्गोरिथम प्रोसेसिंग में कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है तो रॉस के अंदर भी ओवरऑल हम एक वॉच आउट टाइमर आप उसको कह लें या कुछ वी हैव दोस कंडीशंस इन प्लेस जिसके होते हुए अगर कोई अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर है तो वी कैन किल इट, बट इट्स क्वाइट मॉड्यूलर, उससे बाकी प्रोग्राम पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, उमर हमीद साहब कह रहे हैं, व्हेन डू वी एक्सपेक्ट आरओआई from the robotic industry? इनका इशारा पता नहीं पाकिस्तान के लिए है या इंटरनेशनल? नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए होगा क्योंकि बाहर के कॉन्टेक्स्ट में तो ये क्वेश्चन ज्यादा वैलिड नहीं है, बाहर तो ऑलरेडी लोग इसका ROI देख चुके हैं। पाकिस्तान में भी NCRA has taken over, इंशाल्लाह अभी तो हमें एक साल ही हुए कुछ ऊपर डेढ़ साल, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रोबोट नजर आएंगे। ऑलरेडी बहुत आपके जो टैंक है मैं कहूँगा उसकी वेल्डिंग तो रोबोट के बगैर आप कर ही नहीं सकते, तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है जहाँ पे रोबोट्स ऑलरेडी इन यूज हैं। जी, तीसरा सवाल उजैर खान, हमारा सैटेलाइट इमेजरी में तो हमारे दूसरे एक फ्रेंड है वो एक्टिव हैं, लेकिन हमें ओपन सैटेलाइट से डेटा मिल सकता है अगर आपको चाहिए हो, हम ड्रोन से वो डेटा जनरेट करते हैं। आजकल आपको पता है कि ड्रोन 15 मिनट की फ्लाइट में आपको इतना डेटा दे देता है कि डोंट नीड इमेजरी फ्रॉम द सैटेलाइट्स, लेकिन यस देयर आर ओपन सैटेलाइट सोर्सेस। जी, एनेबल्ड ओवरव्यू स्पेशली डिजाइन फॉर स्टार्टअप्स एज वेल एक्सपीरियंस डेवलपर रोबोटिक्स एज एनवायरनमेंट एप्लीकेशन। जी, थैंक यू सलीम साहब फॉर द कमेंट। राइट जी, with this we are at the end of the session. अगर आप कोई कंक्लूडिंग जुमला कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं। कंक्लूडिंग जुमला जी यही है कि मैंने ओपन सोर्स में अक्सर मैं ये बात करता हूं कि हमारे ज्यादातर चूंकि लोगों का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से होता है तो वी जस्ट हैव फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार्डवेयर से हमने वी शाय अवे फ्रॉम हार्डवेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन सोर्स हार्डवेयर भी हैं, ये रोबोट्स भी बन सकते हैं, इसमें भी अगर ये हमारा ओपन सोर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से कुछ इंटरेक्शन हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्स। सो दैट्स माय लास्ट कमेंट। थैंक यू वेरी मच जी।